झारखंड के पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जबकि जेपी पटेल को विधानसभा सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को इसकी घोषणा की। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर पार्टी के अंदर नेता की तलाश की जा रही थी। पिछले ढाई माह से यह मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास विचाराधीन था। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करेंगे। चंदन कियारी के विधायक अमर कुमार बाउरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया, वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल को सचेतक नियुक्त किया गया है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर पार्टी के अंदर नेता की तलाश की जा रही थी। इसे लेकर जुलाई में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से अलग अलग बात की थी। भाजपा विधायक दल के लिए इनसे तीन तीन नाम मांगे गए थे। इसके बाद पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी थी। पिछले ढाई माह से यह मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास विचाराधीन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद विधानसभा में पत्र लिखकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का आग्रह किया गया था, लेकिन विधानसभा में दल बदल का मामला विचाराधीन होने की वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रदान नहीं की जा रही थी। लगभग दो वर्ष तक विधानसभा में यह मामला विचाराधीन रहने के बाद 5 जुलाई को बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुना गया था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।